हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं तनुज और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वैकेंसी जो निकली हुई है वो टाटा मेमोरियल सेंटर है, वहां पे परमानेंट वैकेंसी हैं, कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे नहीं है, सारी परमानेंट बेसिस पे ही वैकेंसी हैं, तो उस बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैंने आपको जो पिछली वीडियो में क्वेश्चन दिए थे उनके आंसर बता देता हूँ। पिछली बार मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 5th of June। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया था, ऑलमोस्ट सभी ने सही आंसर दिया था। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है टेंडन किसको कनेक्ट करता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी बोन को मसल से जॉइंट करता है। ये दोनों कल के हो गए। अब आज का जो क्वेश्चन है वो आपको दिखा देता हूँ। विच टाइप ऑफ टिश्यू फॉर्म्स ग्लैंड, कौन किस प्रकार का टिश्यू ग्लैंड बनाता है। ऑप्शन आपके एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मसल। चार ऑप्शन है, चार में से एक सही आंसर होगा। और दूसरा क्वेश्चन है वो मैं आपको, तो दोस्तों इसमें जो वैकेंसी निकली हुई है मैं इसमें आपको स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट तीन पोस्ट की बताऊंगा। निकली तो काफ़ी सारी पोस्ट की हैं, सारी पोस्ट जो हैं वो परमानेंट बेसिस पे हैं। 7 जुलाई को ये नोटिफिकेशन निकला था। इसकी जो लास्ट डेट है वो फॉर्म फिल करने की 7 अगस्त है, और फॉर्म को बाई पोस्ट भेजने व पहुँचने की डेट जो है वो 14 अगस्त है। तो 14 अगस्त तक आपको इस फॉर्म को भेजना ही होगा। तो चलिए जो स्टाफ नर्स की है वो आपको दिखाता हूँ। 11 नंबर पे मैंने देख लिया था पहले ही, तो आसानी रहेगी, जल्दी से जल्दी आपको बता देंगे। तो यहाँ पे जो वैकेंसी निकली हुई है वो नर्स ए फीमेल कैटेगरी जो है उसमें निकली हुई है। टोटल वैकेंसी आप गिन सकते हो यहाँ, 8, 16, 24, 22, 5, 27 और 1, टोटल 28 वैकेंसी हैं। 4600 ग्रेड पे आपको सैलरी मिलेगी, जिसमें आपका 44,900 जो इनिशियल पे होता है प्लस अलाउंसेस में जो अलग से जुड़ेंगे। एज आपकी 7 अगस्त को 30 साल से कम होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो आपने GNM कर रखा हो, 50 बेड हॉस्पिटल में कम से कम 2 साल का आपको एक्सपीरियंस हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने BSc नर्सिंग कर रखा है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लोकेशन जो है वो आपकी नवी मुंबई रहेगी सारी जॉब्स के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो वैकेंसी निकली हुई है नर्स ए की, इसमें अलग अलग पोस्ट हैं, 7, 5, 12 और 4, 6, 16, 17, 18, 19, 20, 21 पोस्ट हैं। इसकी भी सैलरी सेम है, सब कुछ सेम है, केवल इसकी पोस्ट जो है वो अलग रहेगी, दूसरे डिपार्टमेंट के लिए होगा। इस वजह से इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन है, GNM में आपने कर रखा है, BSc नर्सिंग कर रखा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आपको साथ में चाहिए 2 साल का 50 बेड हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस। यहाँ पे इन्होंने एक और चीज़ बोली है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टेट नर्सिंग काउंसिल में होनी चाहिए और इंडियन नर्सिंग काउंसिल किसी में भी होनी चाहिए। अगर आपका रजिस्ट्रेशन दोनों में से किसी में है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं लैब टेक्नीशियन की। दोस्तों लैब टेक्नीशियन की बात करूँ तो साइंटिस्ट के असिस्टेंट साइंटिस्ट के लिए काफ़ी वैकेंसी हैं, लैब टेक्नीशियन की भी वैकेंसी हैं। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो BSc मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में चाहिए आपको, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए। बायोकेमिस्ट्री और कैंसर साइटोजेनेटिक्स दोनों में निकली हुई हैं। सैलरी दोनों की 4200 ग्रेड पे ही रहने वाली है। आगे बात करें तो साइंटिफिक असिस्टेंट बी की हैं वैकेंसी, जो माइक्रोबायोलॉजी के लिए निकली हुई हैं, 4200 ग्रेड पे। क्वालिफिकेशन सेम है, BSc MLT कर रखा हो आपने या DMLT कर रखा हो, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अब बात करते हैं जो लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी है वो, दोस्तों अभी तक मैंने जो बताया वो साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट के लिए था, ये लैब टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए एक वैकेंसी OBC में। सैलरी आपकी 2400 ग्रेड पे रहने वाली है, आपने DMLT कर रखा हो हाई स्कूल के बाद और 1 साल का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। एप्लीकेशन फ़ीस जो रखी गई वो 300 रुपये रखी गई है किसी भी कैटेगरी के लिए। SC ST और फीमेल कैंडिडेट हैं तो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये फॉर्म रखा गया है। और आपको बता दूं, आपको TMC की ऑफिशियल साइट पे जाके इस फॉर्म को फिल करना है। फिल करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकाल के सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के आपको बाई पोस्ट भेजना पड़ेगा। और यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन होता है वो भी दिया जाता है। कोई प्रॉब्लम होती कमेंट बॉक्स खुला है। अब आपके लिए लास्ट जो क्वेश्चन बचता है वो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो सेबेसियस ग्लैंड्स आर फाउंड इन, सेबेसियस ग्लैंड जो होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन ए है आपका डर्मिस ऑफ स्किन ऑफ मैमल्स, एपिथीलियम ऑफ स्टमक ऑफ फ्रॉग, एपिथीलियम ऑफ इंटेस्टाइन ऑफ फ्रॉग
और लास्ट जो है ऑप्शन है वो है एपिडर्मिस ऑफ स्किन ऑफ मैमल्स। तो आपको इसमें से जो राइट आंसर है वो देना है कमेंट बॉक्स में। ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर के होते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अटैम्प्ट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।